अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीरो यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, एसी डीसी सर्किट फैन की वजह से बहुत ही लोग परेशान हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही केसेस आ रहे हैं जलने की। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक एसी का पोर्शन है, दूसरा डीसी का पोर्शन है। अगर एसी का पोर्शन जल जाए तो क्या करना चाहिए, अगर डीसी का पोर्शन जल जाए यानी ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम अपने डिजिटल मीटर से आपको ए टू जेड इसके बारे में बता देते हैं और इस तरह के सर्किट को आप कबाड़ में ना फेंकें, किसी न किसी आप पोर्शन आपको काम आ जाएगा। अगर एक भी पोर्शन इसका आपको काम आ जाए तो यकीनन 600-700 आपका बच जाएंगे और 2 मिनट में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं मेरे पास एसी डीसी की दो तरीके के सर्किट है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं एसी डीसी सर्किट जो कि इसमें रिले लगा हुआ है, यानी कि एसी और डीसी को ऑटोमेटिक यही कर देता है लाइन को। रिले की जगह कंपनी ने यहां एक डायोड लगा दिया है, ठीक है। इस डायोड का फ़ायदा ये है कि ये करंट को रिवर्स करने नहीं देता, यानी कि डीसी को एसी की तरफ करने नहीं देता और एसी को डीसी की तरफ करने नहीं देता। यार इसका मसला ये कि इसका डीसी का साइड है वो ख़राब हो चुका है। इसी आप यहाँ 220 देंगे तो यहाँ इस सर्किट से होकर एसी को, यानी कि 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसको पावर सप्लाई भी आप कह सकते हैं। और यहाँ आप ये देख सकते हैं सर्किट, ये सेम टू सेम यही सर्किट है, आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन किसी और डिज़ाइन में बना दिया गया है ताकि ये फिट हो जाए। आपके पास क्लैंप मीटर का होना लाजमी है ताकि वोल्टेज, एम्पीयर्स, वाट्स जो भी हैं उसको चेक कर सकें। अगर नहीं है तो मजबूरन आप वोल्टेज इस मीटर से चेक कर सकते हैं। तो अक्सर इसमें ये बीमारी आ जाती है जब 220 का ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं अर्थिंग की वजह से, तो ये इसका पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है, यानी कि यहाँ शार्ट हो जाता है। अगर डायरेक्ट सोलर पर चला देते हैं तो इसका ये साइड ख़राब हो जाता है अक्सर। तो अगर एक भी ख़राब हो गया तो ये काम का नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अपने सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इसी तरीके का सर्किट है तो इन दो पॉइंट्स में आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये जो कि यहाँ आप देख सकते हैं इस डायोड का दूसरा लेग है, ठीक है, और दूसरा ये है माइनस। मैं इस डीसी सर्किट को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ तो एसी साइड को मैं आपको चेक करवा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रूफ हो सके, ठीक है। प्रॉप्स को मैं लगा देता हूँ जहाँ आपको बताया था, तो आपको ख्याल से चेक करना है ताकि ऐसा ना हो जाए आपको शार्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको बताया था माइनस को माइनस और प्लस को आप यहाँ लगा देना, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मीटर पर 15.24 वोल्टेज शो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा एसी साइड बिल्कुल ठीक है यहाँ दो वायर से। तो अब क्या करना है, इस कार्ड को किस तरह चेंज करना है या किसी और को किस तरह लगाना है। जैसे ही मैं यहाँ इसको 220 में लगा देता हूँ तो किसी भी किस्म की जो साउंड है, यानी कि बजर है, यहाँ से आपको सुनने में नहीं आ रहा, यानी कि इसका जो ये साइड है डीसी वाला ये मुकम्मल तौर ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दो टांके एक यहाँ लगा देना है, जिस तरह मैंने मार्क कर दिया है माइनस, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट माइनस में लगा देना है। दूसरा डायोड के साइड के प्लस लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट ये वायर से आपको नहीं लगाना है, यहाँ देख सकते हैं इस वायर से डायरेक्ट नहीं लगाना, आपको लगाना है इस लाइन से जो कि यहाँ देख सकते हैं जो डायोड का दूसरा लेग है वहाँ आपको लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस को यहाँ माइनस में लगा देता हूँ, तकरीबन मुझे 20 सेकंड लगे बस। तो सिर्फ मसला यह है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि किस साइड ख़राब है। तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया और यहाँ आपको डायरेक्ट जो यहाँ पंखे का वायर लगा देना है और यहाँ इसके जो डीसी के लाइन है वहाँ इसको उखाड़ देता हूँ। आईसी से उसको मैंने सबको ख़त्म कर दिया, यानी कि ये साइड बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर के दो वायर्स हैं, तो यहाँ आपको जोड़ देना है। एक बात बताना चाहता हूँ, अब ये रिमोट कंट्रोल से काम नहीं करेगा, अब ये रेगुलेटर लगा देते हैं या इसको डायरेक्ट शार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर चलेगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट सोलर में लगा दें दो वायर्स को, यानी कि बैटरी में लगा दें और ये एसी में लगा दें, ठीक है। मैं फिलवक्त इसको एसी में लगा देता हूँ, यानी कि 220 में लगा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आपको बजर का जो साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, इसको लगा दिया तो आपको बजर का जो आवाज़ सुनने में आया। तो आपका आपको देख सकते हैं हमारा पंखा चल रहा है। पावर सप्लाई के 12 वोल्ट का वायर्स मैंने सर्किट के 12 वोल्ट के वायर्स में लगा दिया
तो माइनस को अब लगा देता हूँ, जिसे ही माइनस को लगा दिया तो प्लस पहले ही लगा हुआ है। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं हमारा पंखा स्टार्ट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एसी डीसी सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ इसको कैंची से काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से उखाड़ दिया ताकि आपको ये पता चले कि जुल्फिकार भाई बिल्कुल आपने इसको रिपेयर कर दिया। तो अगर इस तरह के सर्किट्स में यही केसेस आ जाते हैं तो इसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का ख़ास ख़्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।